असल वरि वा नो दिस इज चैप्टर नंबर टू आफ एट्थ क्लास मैथमेटिक्स दैट इज लीनियर इक्वेशन वेरिएबल लीनियर इक्वेसन इन वन वेरेबल मैंने डिफिनीस लिख के रखी हम हम डिस्कस करेंगे इनको यह अपने प्रिवियस क्लास में पढ़ा भी लीनियर एक्वेशन द लीनियर इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल इज़ अक्वेशन विच इज़ एक्सप्रेसड इन दॉ वो इक्वेशन जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्लस बी इक्वल टू जीरो एज़ नॉट इक्ल टू ज़ीरो वेयर एंड बी आर इंटीजर्स ए और बी इंटीजर्स हो सकते हैं इन अदरवर्स विकस है रियल नंबर्स अभी आपने रियल नंबर्स नहीं पढ़ाया जितने आप इतना याद रखो जितने भी दुनिया में नंबर्स हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं तो अब यहाँ हम कंसिडर करेंगे इंटीजर्स हम एंड बी अब नगेटिव नंबर होगा या पॉजिटिव नंबर क्योंकि अभी आपने रूट वूट कुछ नहीं है आप एट्थ में आपको खाली यही है ए एंड बी एंड एक्स इज़ अ वेरिएबल एक्स वो है जो वेरिएबल जो क्वांटिटी वेरी करती है जिसका वैल्यू फिक्सड नहीं हैज ऑनली वन सोल्यूशन इसका खाली एक ही सोल्यूशन होगा फॉर एग्जांपल थ्री एक्स प्लस सेवन इज़ इक्वल टू नाइन ये भी एक है दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर ज़ीरो नहीं आप बोलोगे सर यहाँ आपने जीरो नहीं हम इसको लिख सकते जैसे देखो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे थ्री एक्स प्लस सेवन माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो इसको ट्रांसपोज करके वी कैन राइट है थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो आ गया ये तो हमारी लीनियर एक्वेसन वन एबल यार ये सिंपली इस तरीके से अब मैंने दूसरी डिफिनीशन इस तरीके से लिया इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज इक्वेशन विच हैज़ वन वेरिएबल ऑफ डिग्री वन जिसके अंदर खाली एक ही वेरिएबल होगा जैसे मैंने यहाँ वन वेरिएबल एक्स लिखा है एक्स हमारा वेरिएबल है तो वो उसकी डिग्री हमेशा वन होगी डिग्री मतलब जो एक्स का पावर होगा वो वन होगा जैसे मैंने थ्री एक्स प्लस वन लिखा इक्वल टू जीरो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है अगर हम इतना ले ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन है जिसका पावर हाईस्ट जब इक्वल्टी साइन आते तब ही इक्वेशन बन जाती है इसका मतलब हुआ जब हमारे पास वेरिएबल एक ही होगा तो हम बता सकते हैं यह है लीनियर इक्वेशन इन वन वेर इसकी कोई भी स्टेटमेंट किसी के बराबर जब मगर उस स्टेटमेंट में खाली वेरिएबल होगा वन वेरिएबल होगा खाली एक व वो वह एक्स हो वाई हो जेड हो तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगी अब इक्वेशन किसे कहते हैं लीनियर मीनज वन वो वो एक्सप्रेशन वो इक्वेशन भी कहते हैं जिसका जिसमें हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा वन इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन लीनियर मीनज वन अब यहाँ है इक्वेशन किसे कहते हैं एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेन्स टू एलजैब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर अन नोन क्वान्टिटीज दैट मीन्स वेरिएबल्स ये दो यहां से देखो ये इक्वालिटी साइन होगी दोनों साइड से कभी कभी यहां एक्स भी हो सकता है इस साइड से तो हम उसको यहां से लिख सकते हैं जैसे आपके पास है थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू नाइन एक्स होगा ये भी लीनियर इक्वेशन है तो हम इसको ट्रांसपोज करके इस तरीके से लिख सकते हैं वी कैन राइट दिस एज थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो तो एक ही वेरिएबल है तो आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो तो आ गया अब ये कौन मैंने पहले ही बोला ए और बी री इंटीजर है और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिख दिया कंटीनियस एल्जरी एक्सप्रेशन है वन और मोर को कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा वन और मोर वे जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तब उसको हम क्या कहेंगे वो भी है लीनियर इक्वेशन बट वहाँ हम के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल वेदर वहाँ दो है एक्स के साथ दो एक्स दो एक्स वाई जेड उस वेरिएबल में है कि नहीं जैसे आपने देखा होगा कभी तो कभी आपके पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन है ये भी है लीनियर इक्वेशन बट इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरेबल्स यहाँ दो वेरेबल्स है वही है या उसमें एक वेरिएबल जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल थी एक ही वेरिएबल होगा या दो वेरिएबल्स या एक से ज्यादा अन नोन क्वान्टिटीज होंगी तब भी वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन वैंकिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एट ये जड है तो यहाँ तीन वेरिएबल्स हो गए ये भी है लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स एन इक्वेशन विच कंटेन ओनली वन आर मोर वेरिएबल विद मैक्सिमम, विद मैक्सिमम पावर ऑफ वन इज कॉल्ड ए लीन वो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा या एक से ज्यादा वेरिएबल्स होगी बट डिग्री होगी वन वन इसकी डिग्री देखो वन वन है पावर हर एक में वन वन है तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी या इक्वेशन कहलाएगी उस इक्वेशन को हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन वेर द हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ वन अब डिपेंड करेगा अगर एक ही वेरिएबल है तो वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहलाएगी अगर इसमें दो वेरिएबल है तो टू वेरिएबल्स मगर आपके सिलेबस में खाली लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल है होप कि आपको ये समझ आया होगा आपने लोअर क्लास में पढ़ा भी है तो अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको फिर थोड़ा समझ आएगा क्या सीधे अगर हम लेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, तो उसकी जनरल फॉर्म होगी एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो तो हम इसको थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन बी लिख सकता हूँ मैं थ्री एक्स प्लस माइनस वन इक्वल टू जीरो या थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो ये भी हो सकता है आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो या ये हो गया इन वनबल अब अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा उसके साथ दो वेरिएबल्स होंगे ताकि थोड़ा मैं इसमें थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगा क्योंकि अगले साल आपको ये पार्टना भी है तो इसमें दो वेरिएबल्स हम लिखेंगे इस, इसकी जनरल फॉर्म होगी एक्स प्लस बी वाई इक्वल तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ ज़ीरो भी मै एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं असली जनरल फॉर्म इसकी, इसकी ये है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म फॉम लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं यह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बट लीनियर इक्वेशन इन टू वैल्यू यहाँ दो वेरिएबल्स एक्स और वाई इसी तरीके से हम जैड भी लिख सकते डिपेंड करेगा बट आपके सर्विस में खाली ये स्टैंडर्ड वाली वैल्यू पढ़नी है ए एक्स प्लस इक्वल टू जीरो अब वो किसी है? अब इस तरीके से भी हो सकता है थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू नाइन एक्स ये भी है लीनियर इक्वेशन इन वन वैल्यू डिपेंड करेगा उसकी जनरल फॉर्म आखिर में इस तरीके से आ जाएगी सिंपल इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इन वेरेबल और सीधे लीनियर एयरक्वेशन मीन्स कि जहाँ पर हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वन होगा इक्वेशन मैंने बोल दिया वो स्टेटमेंट जो किसी के बराबर होगी जिसमें इक्वलिटी साइन होगी वी कैन टेक दैट दैट इज अ स्टेटमेंट इक्वल टू समथिंग या हम इस तरीके से इन इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ़ इक्वल्टी है वो स्टेटमेंट जो इक्वलिटी की साइन है विच इक्वलिटी की स्टेटमेंट है विच कंटिन जिसके दोनों साइड से अलजेक एक्सप्रेशन हो सकती है यहां से भी है यहां से भी तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई होप कि आपको ये सारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ आए अब अब जब लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जी इसके दो हिस्से ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट right हैंड है जब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल होगा तब उस वैल्यू को जहाँ पर भी जब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट तब हम बोलेंगे बैलेंसड इक्वेशन बन गई क्योंकि दोनों साइड स्खिर बराबर आ गए एंड इक्वेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड जब दोनों के दिस हैपन्स टू बी ट्रू ऑनली वन सर्टन वैल्यू जब हम एक्स के कुछ वैल्यूज देंगे से अगर आपके पास है थ्री एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू जीरो तो हमें एक्स का क्या वैल्यू होगा जहाँ पर ये ज़ीरो लिख देगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं थ्री तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे वो थ्री एक्स प्लस वन तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे थ्री यहाँ पर पुट करेंगे माइनस वन बाई थ्री प्लस वन थ्री थ्री, थ्री, थ्री कैंसल माइनस वन प्लस वन इक्वल, इक्वल टू जीरो तो हम बताएँगे जहाँ पर एक्स इक्ल टू माइनस वन बाई थ्री सोल्यूशन है जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुआ वो वैल्यू एक्स का जहाँ पर इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड दैट इज नोन एज अ सोल्यूशन हमेशा यहाँ लीनियर इक्वेशन जो है इक्वेशन अगर आप उसका सोल्यूशन निकालोगे से आपके पास है थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो आपको इसका सोल्यूशन है मीन्स के एक्स का वैल्यू तो हम लिखेंगे थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स ट्रांसपोज करके एक्स हमारा होगा माइनस सिक्स डिवाइड बाई थ्री थ्री वन आर थ्री टू आर तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू वैल्यू वो वैल्यू होगा जहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड बन जाएगा थ्री इंटू माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो वो हमारा राइट हैंड साइड है तो इससे हमें पता चलता है वो वैल्यू इसीलिए लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन खाली एक ही होगा वन सोल्यूशन होगा इसका वन सोल्यूशन क्योंकि लीनियर में खाली एक ही एक ही अगर टू वेरिएबल उसके दो सोल्यूशनस होंगे एक्स और वाई के वैल्यू यहाँ एक्स एक ही है एक ही वेरिएबल है तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा इंट्रोडक्शन अब हम सीधे जाएंगे एक्सरसाइज पे अब है क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट वन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस आपने सिस्टमेटिक मेथड पढ़ा था एक हुआ डायरेक्ट मेथड दूसरा हुआ सिस्टमेटिक डायरेक्ट मेथड में सिंपली देखो मैं यहाँ समझाता हूँ डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे एक्स माइनस टू अगर है इक्वल टू सेवन वी कैन राइट द एक्स इज इक्वल टू इसको ट्रांसपोज करके सेवन प्लस टू लिखेंगे दैट इज इक्वल टू नाइन ये एक तरीका है डायरेक्ट मेथड दूसरा हुआ systematic. इस इस इन सस्टमेटिकेश्चनों को हम सिस्टमेटिक मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ आए क्या करना है क्योंकि इसकी एग्जाम्पल्स जो देख कर है इस एक्सरसाइज बेस्ड एग्ज़ाम्पल्स वो सारी है बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक मेथड तो हम सस्टमेटिक मेथड करेंगे इसका सोल्यूशन पहला क्वेश्चन लेंगे नजर रखिए आप कैसे कर लें पहला है x माइनस टू इज़ इक्ल टू सेवन इस टू को कैंसल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे वी विल राइट हेयर ट्रांसपोज जैसे करते थे हम ट्रांसपोज डायरेक्ट नहीं करना है वी हैव टू ऐड अप नंबर्स टुगेदर तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे ऐड ऐड टू ऑन बोथ साइड दोनों साइड से ऐड करें वी विल गेट एड करेंगे प्लस तो टू हो गई तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक्स इज इक्ल टू नाइन ये हमारा सोल्यूशन इसी तरीके से इनको क्वेश्चन को करना है अब इसी तरीके से अगर हम दूसरा पार्ट लेंगे से बी पार्ट बी पार्ट बी पार्ट है सिक्स इज इक्वल टू जेड प्लस टू तो इस टू को हटाने के लिए वेरिएबल को इकट्ठे अलग अकेला होना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर आया तो इस टू को हटाने के लिए हम क्या करेंगे विल इज सब्रैक्ट सबट्रैक्ट टू फ्रॉम बोथ साइड्स टू को सब ट्रैड करेंगे दोनों साइड से वो सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू जेड प्लस टू माइनस टू 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 कैंसिल हो जाएगा फोर माइनस टू इज सिक्स माइनस फोर हो गया जेड हमारा विच इम्पलाइज जेड इज इक्वल टू फोर क्या आपको ये समझ आ रहे है इसी तरीके से अब हम थर्ड पार्ट करते हैं ए बी सी पार्ट दैट इज थ्री बाई सेवन प्लस एक्स इज़ इक्वल टू सेवनटीन बाई सेवन अब यहाँ देखो नजर यहाँ तो आसान थे अब नजर हो सबसे पहले हमें इन सेवन को डिनोमीटर में जो है इनको ख़त्म करना है उसके लिए हम क्या करेंगे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग सेवन्थ में पढ़ा है फिफ्थ सिक्स में भी पढ़ा है मल्टीप्लाइंग बो साइड इज बाई सेवन सेवन से दोनों साइड को मल्टीपल करेंगे थ्री इंटू सेवन नीचे सेवन प्लस सेवन इंटू एक्स इज इक्वलड सेवनटीन मल्टीप्लाइड बाई सेवन डिवाइड बाई सेवन तो सेवन सेवन ख़त्म हो जाएगा दैट इज सेवन इज इक्वल्ट सेवन सॉरी सेवन प्लस सेवन एक्स इज इक्ल्ट यहाँ सेवन ख़त्म हो गया सेवनटीन अब आ गया इस तरीके से अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे अब इस सेवन को हटाएंगे हम उसके लिए करेंगे सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट सेवन फ्रॉम बोथ साइड्स साइडस माइनस सेवन प्लस सेवन एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन माइनस सेवन ये दो सेवन ख़त्म हो जाएंगे वो विल गेट सेवन एक्स इज़ इक्वल टू टेन अब एक्स को अकेले लिखना उसके लिए करेंगे डिवाइड डिवाइड बोथ साइड्स बाय सेवन सेवन से करेंगे तो सेवन एक्स बाई सेवन आ जाएगा इधर इक्ल टू टेन बाई सेवन 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 कैंसल एक्स इज इक्वल टू टेन बाई सेवन ये इसका सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन होप कि आपको ये समझ आया इसी तरीके से आप डी पार्ट। दैट इज सिक्स एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व। तो इसको इस सिक्स को हटाएंगे क्योंकि एक्स हमें अकेला लिखना है तो उसके लिए करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाई सिक्स इज इक्ल टू टिक्स खात्म एक्स इज एक सिक्स वन आल्व सिक्स टू और ट्वेल्व तो टू आ जाएगा इसका आंसर होप कि आपको ये समझ आएगा डी पार्ट अब इसी तरीके से ई पार्ट है वन पॉइंट सिक्स इज़ इक्वल टू फोर डिवाइड बाई वन पॉइंट फाइव तो सिंपली हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इसको हटाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइडस बाई वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई वन पॉइंट सिक्स इज ठू वन पॉइंट फाइव इक्वल टू वाई

और जी वो अब इस तरीके से करेंगे अब है पार्ट नंबर एफ तो इसका सॉल्यूशन कैसे है? इस थ्री को हटाने के लिए क्या करेंगे हम करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय थ्री जब थ्री से करेंगे वो गट थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज इक्वल टू एटीन मल्टीप्लाईड बाई थ्री 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 कैंसल तो अब इस टू को हटाने के लिए करेंगे डिवाइड divide both sides by two. Divide both sides by two. So इसको two x by two is equal to eighteen by two. Two two cancel हो जाएगा. We will get x equal to two one or two nine or x is equal to nine. और है linear equation इन वन हो गया. हमें इन word problems को linear equation इन one variable में solve कर form में तब्दील करके x का value निकालना. है। पहला question है if you subtract one by two. इफ़ यू सबट्रैक्ट वन बाई टू फ्राम ए नंबर एक नंबर है अगर हम उससे वन बाई टू सब्ट्रैक्ट करते एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट वन बाई टू और जो रिज़ल्ट वहाँ से सब ट्रैक्ट करके मिलता है उसको हम मल्टीपल करते हैं वन बाई टू तो हमें सोल्यूशन वहाँ मिलता है वन बाई एट तो हमें बताइए वो नंबर कौन सा है से अगर हमारे पास वो नंबर एक्स है उस एक्स को जब हम सब ट्रैक्ट करते हैं माइनस करते हैं वन बाई टू ये हमारा सॉल्यूशन है और मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय वन जो रिजल्ट मिला वहां पर ये उसको मल्टीप्लाई करो वन बाई टू तो यू गेट वन बाई एट हमें मिलता है वन बाई एट हमें एक्स का वैल्यू निकालना होप कि आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से हम क्या लिखेंगे हम इसका सीधे सॉल्यूशन लिखेंगे इस तरीके से अब है क्वेश्चन इफ यू सब वन बाई टू ए नंबर एंड

कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जब उस एक्स से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वन बाई टू जो वहाँ रिजल्ट मिलता है जब हम उसको मल्टीपल करते हैं वन बाई टू हमारा सॉल्यूशन आ जाता है वन बाई एट अब हमें इनको सॉल्व कर इस वन बाई टू से इस एक्स को मल्टीपल करेंगे हमें मिलेगा दिस और जब इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे वो विल गेट वन इंटू वन टू टू इज फोर इज इक्वल वन बाई एट तो अब इसको ट्रांसपोज करें वी विल गेट एक्स डिड बाई टन बाई एट प्लस वन बाई फोर तो इन दोनों का एलसीएम निकलेगा फोर एट एट को जब डिवाइड करेंगे फोर से तो ऐट को जब एट से डिवाइड करेंगे वन वन इंटू वन एंड वन एट इज़ डिवाइडेड बाई फोर वी विल गेट टू टू इन टू वन इज़ टू तो हमें क्या मिला विल गेट थ्री बाई एट तो हमें क्या मिला एक्स डिड बाई किसके बराबर है थ्री बाई एट अब हम इस टू को यहाँ मल्टीपल में लिखेंगे वो वो इज राइट क्रॉस मल्टीपल मैंने इसको कर दिया यहाँ पर इसको यहीं पर रख दिया टू वन आर टू फोर आर एट तो हमारा सोल्यूशन निकला थ्री बाई फोर देयर फोर नंबर इज़ थ्री बाई फो तो हमारा नंबर जो हमें ढूंढना था वो था थ्री बाई फो दोबारा समझाता हूँ मैं अगर हमारे पास इफ यू सब ट्रैक्ट वन बाई टू अगर हम किसी नंबर से वन बाई टू सब ट्रैट करते हैं और उसके रिज़ल्ट को वन बाई टू मल्टीपल कर हमें मिलता है वन बाई एट हमें बताना है वो नंबर कौन सा हमने लिख दिया लेट द नंबर बी एक अगर वो नंबर एक्स है देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस वन बाई टू इंटू एक्स वन बाई टू इज़ इक्वल वन बाई एट क्योंकि उसके रिज़ल्ट को वन बाई टू मल्टीपल करना है जब उनका उनके साथ हम मल्टीपल करेंगे आपस में वन बाई टू इंटू एक्स हो वो विल गेट एक्स बाई टू इसको इसके साथ मल्टीपल करके वन बाई फोर वन बाई एट वापस है देन आफ्टर दैट वी विल ट्रांसपोज दिस टू हेयर राइट हैंड साइड उसके बाद वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स वी विल गेट एट एट डिवाइड बाई तो आप डायरेक्ट मेथड इस तरीके से भी करते हो अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो इस यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो फोर प्लस एट इंटून एट डिवाइड बाई एट थ्री एट फोर आर थर्टी टू तो ये बन जाएगा ट्वेल्व बाई थर्टी टू तो यहाँ फिर आप कैंसिल आउट कर सकते हो फोर थ्री आर फोर थ्री आर टूल्व फोर एट आर थर्टी टू तो थ्री बाई एट वैसे भी निकलेगा इस तरीके से भी कर सकते हो तो हमारा यहाँ निकला थ्री बाई एट एक्स बाई टू इस तरीके से फिर मैंने इस टू को यहाँ मान मानो कि मैंने यहाँ पर मल्टीपल बाईक्रॉस मल्टीपल की है बट इस एट को मैंने अपनी जगह रख दी यहाँ पर मल्टीपल कर दिया तो ये इस, इस तरीके से लिख सकते हैं एंड टू डिवाइड बाई फोर जब इसकी कैंसिलेशन करेंगे वो विल गेट फोर दिस इज इक्वल टू थ्री बाई तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है थ्री बाई टू इस तरीके से हम नंबर को ढूंढ सकते हैं तो हमारा सॉल्यूशन जो निकला वो है थ्री बाई टू तो हम लिखेंगे लास्ट में देयर फोर द नंबर इज थ्री बाई फोर होप कि आपको ये समझ आया होगा नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट टू एक्सरसाइज टू पॉइंट क्वेश्चनी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर दिन ऑफ साइड ऑफ दाइडस का सम वो है दैट इज वन फिफ्टी फोर मीटर इट इज लैंग्थ इज़ टू मोर देन टू आई सीट इज ब्रेडि इसकी लैंग्थ जो है वो है टू मोर देन टू आई सीट इज टू टाइम्स इट इज ब्रेडिथ प्लस टू है तो हमें बताया इसकी लैंग्थ और ब्रेडिथ क्या होगी अब ब्रेडिथ तो ये है अगर हम इसको एक्स रखेंगे देन इट विल दैट मीन्स टू टाइम एक्स प्लस टू यही हुआ टू मोर देन टू आई सीट इज ब्रेडिथ तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है इसकी लैंग्थ और ब्रेडिथ तो हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लेट लेट द ब्रेड, ब्रेड ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल एक्स मीटर अगर उसकी ब्रेडिथ एक्स मीटर है तो देन दैन लेंग्थ क्या होगी फिर लेंग्थ होगी टू टू मोर देन टू आई आइस ब्रेडिथ वो भी होगी फिर मीटर होप यहाँ तक समझ हो पेरी मीटर ऑफ

टू वन आर टू सेवन आर फोटीन टू वन आर टू टू सेवन आर फोर्टीन फोर्टी यहाँ से इसके साथ एक जो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू टू सॉरी यह वन फिफ्टी फोर दिस विल बी इक्वल टू वन फिफ्टी फोर डिवाइड बाई टू दैट विल टू वन आर टू सेवन आर फोटीन टू वन इज आर टू सेवन आर फोटीन एंड देर फॉर वी विल गेट एक्स प्लस टू इज टू इज थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सेवेंटी सेवन होप कि यहाँ तक समझ आया होगा एंड देन वी विल गेट थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सेवेंटी सेवन देन थ्री एक्स विल भी इक्वल टू सेवनटी सेवन ट्रांसपोज करके माइनस टू बन जाएगा एंड थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव इन दोनों की डिफरेंस and then we will divide this by 70 divide by 3 3 1 r 3 20 5 r and we will get x is equal to 25 so x that is therefore breadth is equal to 25 meter and length will be equal to 2x plus 2 that is 2 into 25 plus 2 वो है फोर बाई थ्री सेंटीमीटर दैरीमीटर सम ऑफ द साइड इज इक्वल टू डिवाइड दैट इज नंबर वट विल बी द लेंथ ऑफ द इधर ऑफ़ द टू रिमेनिंग दैट टूनिंगस हमें इन दोनों साइड की लेंथ ढूंढनी है दैट ढूंढनीस एक साइड को दू, दूसरा हम सिंपली ढूंढ सकते हो उसी के तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लेट पहले रखेंगे हम इन दो इक्वल साइड्स को किसी नंबर के बराबर से वेरिएबल एक्स लेट ईच इक्वल Side of an isosceles triangle. Triangle B X. B X centimeter. Or X centimeter. तो अगर वो एक्स है तो ये एक्स अगर है ये भी तो फिर एक्स है तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर लिखेंगे आइसोसेस ट्राइंगल ए बी सी तब छोड़ो पेरीमीटर ऑफ एफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू फोर टू बाई फिफ्टीन ये मिक्सड में है फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई टू इज सिक्सटी दैट इज सिक्सटी टू बाई फिफ्टीन सेंटीमीटर पेरीमीटर इज दिस बट पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू सिक्सटी टू बाई फिफ्टीन ए बी तो वो इक्वल साइड है तो उसके बाद एक्स दिखेंगे प्लस बी सी देखा है बेस है फोर बाई थ्री सेंटीमीटर प्लस एक्स ये भी है दिस इज इक्वल टू सिक्सटी टू बाई फिफ्टी एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स प्लस फोर बाई थ्री इज इक्वल टू सिक्सटी टू बाई फिफ्टी नाउ वी दिस टू हेयर दिस विल बी इक्वल टू सिक्सटी टू बाई फिफ्टीन माइनस फोर बाई थ्री अब इन दोनों का एल सिन टू नहीं है एल्सिन टू फिफ्टीन वही होगा फिफ्टीन को डिवाइड करेंगे फिफ्टीन से तो सेट वन सिक्सटी टू माइनस फिफ्टीन को डिवाइड करेंगे थ्री से थ्री से तो हमें मिलेगा फाइव फाइव फोर और ट्वेंटी एंड दिस विल भीक्वल फोर्टी टू बाई फिफ्टीन तो यहाँ हमारा है टू एक्स तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 2X 15 X 15. क्योंकि ये आप डिवाइड में जाएगा टू वन आर टू टू आर टू वन आर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सेवन आर ट्वेंटी टू फाइव सेवन बाई फाइव तो एक्स हमारा मिक्स में आ जाएगा फाइव वन टू सेंटीमीटर यह हमारा एक्स का वैल्यू तो हम नीचे अब सेंटर में लिखेंगे दे आर फॉर ईच इक्ल साइड सेंटीमीटर मिक्सर में और विकस ही सेवन बाई फाइव ओके आपको ये समझ आया होगा मैं दोबारा समझाता हूँ ये एक आइसोसेड ट्राइंगल है हमने उस आइसोले ट्राइंगल का नाम ए बी सी रख दिया हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल आप यहाँ ट्राइंगल भी लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ आइसोस ट्राइंगल भी लिख सकते हो दैट इज गिवन तो वो इतना है बट बट एज पेरिमीटर ऑफ ट्राइंगल इज दफ़ इट इज़ लेंग दाइड इज देन ए बी बी सी प्लस तो हमने वहाँ पर वैल्यू सब अचूट किए सब अचूट वैल्यू करके फिर मैंने सॉल्व कर दिया होप कि आपको ये समझ आया होगा नव इट्स क्वेश्चन अदर नंबर बाई फिफ्टी फाइन द नंबर्स दो नंबर्स है दोनों का सम 95 है मगर जो दोनों में से एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बढ़ा है दैट मीन्स अगर एक x है दूसरा है x प्लस फिफ्टीन वो इससे पंद्रह बड़ा है इन दोनों का सम जो है वो है 95। हमें ढूंढना है x और x प्लस फिफ्टीन कौन सा नंबर होगा ओके आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व राइट हियर लेट द टू नंबर्स भी एक्स एंड एक्स प्लस फिफ्टीन तो अगर मैं लिख तो ऐसे भी लिखता मैं लिखता वन नंबर भी एक्स देन अदर नंबर विल भी एक्स प्लस फिफ्टीन इस तरीके से भी लिख सकते लेट द टू नंबर्स भी एक्स एंड एक्स प्लस फिफ्टी तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन से सम ऑफ दीज टू एक्स प्लस फिफ्टीन इज़ इक्ल टू नाइंटी फाइव Now, we will add up x plus x is 2x plus 15 is equal to 95 and 2x is equal to 95 minus 15 and this will be 2x is equal to 95 minus 15 is equal to 80 and then x will be equal to 80 divided by 2, 2 1 are 2 40 are 80 and x is equal to 40. So, x number, number is 40. देयर फोर एक्स प्लस फिफ्टीन क्या होगा फिर फोटी प्लस फिफ्टीन तो देयर फोर दिस विल भी फिफ्टी फाइव देयर फोर द टू नंबर आर फोटी एंड फिफ्टी फाइव होप के आपको ये समझ आए बहुत आसान है आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो खुद भी अब है क्वेश्चन नंबर फाइव टू नंबर आ रहे रेशो ऑफ फाइव इज़ टू थ्री दो नंबर जो है वो है रेशो में फाइव इज़ टू थ्री दट इफ़ दे डिफर बाई फिफ्टीन अगर उन दोनों नंबर्स में डिफरेंस है एटीन हमें बताने वो नंबर दो कौन से सोल्यूशन इसका जब रेशो में है तो वो विल मल्टीप्लाई दिस बाई एक्स एंड वाई जिसको बाई एक्स तब वो नंबर मिलेंगे तो हम लिखेंगे लेट द टू टू नंबर भी फाइव एक्स एंड थ्री एक्स देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब क्वेश्चन हमें पूरा क्वेश्चन बाई एटीन उन दोनों की डिफरेंस जो है दैट इज एटीन पहला नंबर ये है दूसरा ये इन दोनों की डिफरेंस एटीन है तो हमें एक्स का वैल्यू ढूंढना हैल टू एटीन X will be equal to 18 divided by 2. 2 1 or 2 9. Then X is equal to 9. So X value is a number. Therefore, 1 <coughs> the two numbers are. Therefore, the two numbers are 5x that will be 5 into 9. That is 45. And 3x this will be 3 into 9. That is 27. वो दो नंबर फोर्टी फाइव एंड ट्वेंटी सेवन होगा ओके हो आपको ये समझ आएगा क्वेश्चन नंबर फाइव आज के लिए इतना ही